सही है पापा, गिरेंगे आज। अभी मैं चलता हूँ, मैं जहाँ रहा था राजा गार्डन। तो उसके बारे में वैसे बहुत बढ़िया है, अगर आपको आना हो तो बिल्कुल मैं नंबर डाल दूँगा, आप ही का नंबर डाल दूँगा इसमें भी हो इसको। नंबर है ना, वो मेरा, हाँ मेरा अंकल का है। अच्छा, सेकंड मेरा 990। ठीक है, 6020 सेकंड मेरा। हाँ ठीक है, मैंने रखा हुआ है कार्ड। चलो ठीक है, ओके। चलो ओके जी, ओके। मैं इस जगह के बारे में बताऊं, डल लेक वैसे तो बहुत बढ़िया है अंदर घूमने के लिए। जो मैं जिस हाउस बोट में मैं रहा था, ऑनर भी सही है, लेकिन जो ऑनर के वहाँ पे एक बंदा काम करता है, ये नहीं जिनसे मैं बात कर रहा था, एक और बंदा वहाँ काम करता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त ही वो नशे में रहता है, नशे में। तो जो मेरे को हाउस उसमें लेके गया था शिकारा, राइड पे लेके गया था, वो भी बता रहा था, वो कहता कि यहाँ पे जितनी आजकल की जनरेशन है ना, वो सारी की सारी नशे में लगी हुई है। 70% जनरेशन जो है नशे में लगी हुई है। अब नशा कैसे कहाँ से उनको आ रहा है वो सब नहीं पता। कोई नहीं, होता है ये सब ऐसी जगहों पे, टूरिस्ट प्लेस पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। बैग की जो 3 तनियाँ उनमें से 2 तनियाँ टूटी हुई हैं, 1 तनी ठीक है, तो यहीं पे पास में उन्होंने बताया कि मार्केट है, वहाँ पे ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक करवा के फटाफट से निकलते हैं हम जम्मू के लिए। जम्मू है यहाँ से कि 300 किलोमीटर, जर्नी बहुत लंबी है, टाइम कम है, और हमें फटाफट से कवर करना पड़ेगा ये चीज़। तो बेसिकली हुआ क्या है ये देखो, कल बम्प्स इतने थे, जैसे बैग हैं ये 3 तनियाँ होती है ना, 1 2 3, तो पहले एक ये टूटने की वजह से सारा प्रेशर इन 2 पे आ गया, उसके बाद एक ये टूट गई, अब ये 3री पे है। अब मुझे ये ठीक करवाना ही पड़ेगा हर हाल में, नहीं तो मैं दिल्ली नहीं जा सकता। फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करता, पहले मैं ये चीज़ ठीक करता हूँ। हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे मैं हर बार ये क्यों बोलता हूँ टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मुझे नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। क्या मैंने क्या किया, मैंने डबल सिलाई लगवा ली है। अब डबल सिलाई से फ़ायदा ये है कि ये और मजबूत हो गया, पहले से भी ज़्यादा, पहले तो कंपनी ने जितना करके दिया था कम था वो, अब उससे ज़्यादा मजबूत है। GoPro की बैटरी थोड़ी कम है, तो हम एक काम करते हैं, दूसरी बैटरी चार्जिंग पे लगा लेते हैं। टाइम हो रहा है 12:30, जर्नी है 300 किलोमीटर, टाइम तो अच्छा खासा लगेगा, लेकिन ये है कि माउंटेंस नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी। हाँ जी, सॉरी, वापस जा रहे हो या नहीं? मैं वापस जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू। अब निकलते हैं यहाँ से सीधा जम्मू के लिए, भूख तो लगी है, लेकिन कहीं रुक के देखता हूँ, थोड़ा सा खाऊंगा। और वैसे मेरा ट्रैवल में ना, मैं कभी भी पेट भर के नहीं खाता, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी ज़्यादा मीलें करता हूँ, उससे क्या होता है कि पेट भरता नहीं है। इन्होंने काम किया था, बहुत अच्छे से हो गया। चलो ओके, तो जम्मू की जर्नी करते हैं शुरू हम। फाइनली
कश्मीर से बाहर आ गए हैं, कश्मीर से बाहर आके हाईवे पकड़ लिया हमने NH 44, जो कि सीधा जाएगा जम्मू की तरफ। पहले किसी ने मुझे बताया, कह रहे पहले बहुत टाइम लगता था क्योंकि ये कुछ है 240-250 किलोमीटर, पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था क्योंकि वो होता था सारा पूरा रास्ता पहाड़ों में होता था, लेकिन जब से ये हाईवे वाला रास्ता बना है तो तब से कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, बहुत जल्दी आसानी से पाँच घंटे में पहुँच जाते हैं क्योंकि ये सीधी सीधी रोड है और रोड भी बहुत प्यारी है, कोई आपको बम्स नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी रोड बनाई हुई है विद माउंटेन्स। थोड़ी दूर दूर पड़ जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं और धीरे धीरे माउंटेन्स भी ख़त्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे भी ख़त्म हो जाएंगे और हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। सामने तक की रोड देखो और ये माउंटेन्स देखो, बिल्कुल ब्लैक कलर हो गए हैं, सो अलग अलग कलर के माउंटेन्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, किसी जगह पे ब्राउनिश हैं, किसी जगह पे ब्लैक हैं। हफ्ते या 15 दिन या 20 दिन में उन्होंने कहा है कि श्रीनगर में भी बर्फ़ पड़ जाएगी और इस बार ठंडी थोड़ी ज़्यादा होगी। सो पुलवामा आता है आगे से, राइट मुड़ते हैं, ये जो नीचे से सड़क जा रही है ना, ये इस तरफ को पुलवामा जाती है। सो बट अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि हम दिल्ली जाएंगे। सो ये है अनंतनाग से करीब 20 किलोमीटर पहले एक ट्रेन क्रॉसिंग आ रही है, वहाँ से ट्रेन आ रही है इसीलिए सारे रुक गए हैं, नहीं तो वैसे ऐसे बंद तो नहीं करते। चलो जब तक ट्रेन नहीं आती अपनी टांगे सीधी कर लेते हैं। क्या गाड़ी उधर है खड़ी हुई, कोई नहीं आने दो, मैंने सोचा आप नीचे तो नहीं जाओगे। ये है काजीगंज टनल, यहाँ की स्पीड लिमिट है 50 किलोमीटर, अभी मैं हूँ 40 पे, बट पिछली बार मैंने देखा था बट लोग ना स्पीड 40 से भी ऊपर 50 से भी ऊपर कर देते थे। यहाँ से होता है टनल का एग्जिट, जो हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट करी थी तो ये थी करीब 9 किलोमीटर की। सो फाइनली टनल से आउट हो गए हैं और एटमॉस्फेयर देखो क्या मस्त मौसम हुआ पड़ा है, मज़ेदार एकदम, यहाँ पे धूप हुई पड़ी है, उधर थोड़ा ठंडा मौसम था। और इस तरफ आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक व्यू दिखाता हूँ, बड़ा प्यारा व्यू दिख रहा है मुझे यहाँ, तो ये ऊपर पूरी स्नो पड़ी हुई है और इधर से लेके पूरे ऊपर बादलों ने उसको कवर किया हुआ है। एक बार आपको फ़ोन से दिखाता हूँ मैं, पूरा स्नो ने कवर किया हुआ है और ऊपर बादल भी आए हुए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आधी टनल गर्म थी आधी टनल ठंडी थी, तो मतलब स्टार्टिंग वाली जो थी वो गर्म थी, अब जो बाद वाली है वो सारी गर्म है, वो मतलब वो सारी ठंडी है, ऐसा क्यों आई डोंट नो, यहाँ पे मौसम भी ठंडा है, नहीं वैसा ही है। हमें तो हर टनल के बाद ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं देश दुनिया बदल चुकी है। सो यहाँ देखो वहाँ कितनी धूप थी, जैसे ही हम यहाँ आए तो वहाँ यहाँ पे होगी ठंडी ठंडी। हमें तो हर टनल के बाद ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं देश दुनिया बदल चुकी है। सो यहाँ देखो वहाँ कितनी धूप थी, जैसे ही हम यहाँ आए तो वहाँ यहाँ पे होगी ठंडी ठंडी। अरे तुम्हारा बंदा ले आया, तुम्हारा बंदा ले आया मैं, पीछे तुम्हारा बंदा ले आया, ये रहा। हमें किसी ने कहा विद ड्यू रिस्पेक्ट राइडर साहब आप निकलो, ओहो
सो ट्रैफिक हम लोगों के लिए नहीं होता, वो कहते हैं कि शू शू करके निकाल लो, शू शू मतलब तेज नहीं, शू शू मतलब ऐसे 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 ऐसे, मतलब समझ गए ना आप, जिगजैग। यहाँ हो गई गड़बड़ क्योंकि है ट्रक। चलो यार जाम से निकल के, अब मैं अभी भी जाम में बोर हो गया हूँ, निकल के बात करेंगे, अभी नहीं मैं कुछ बोल रहा। जो बंदा घुमा था, मतलब कि जो आसपास हो इधर उधर हो गए थे दोनों, सो पार्सल हैंडओवर कर दिया है, मतलब कि उनको दोस्तों से मिला दिया है। बाकी साथ साथ ही हैं वो भी थोड़ा किसे है, लेकिन उन्होंने थोड़ा अलग जाना है, उन्होंने पठानकोट जाना है क्योंकि उनको यहाँ से मनाली जाना है, मनाली बाइक रखनी है, और एक दो को दिल्ली जाना है, कुछ ऐसा हिसाब किताब है इनका। आई डोंट नो क्या हिसाब किताब कर रहे हैं, बट सही है जो कर रहे हैं। खाना खुना खा लिया, थोड़ी चाय चाय पीनी थी वो पी ली, उसके बाद हम निकलते हैं अब। और उधर सारे खड़े हुए हैं चार राइडर अलग अलग, तो उधर अंधेरा है, मैं बना नहीं पा रहा। कैसे हो? बढ़िया। तो चलो फटाफट से चलते हैं, जम्मू रुक रहे हैं, आधे जम्मू रुकेंगे आधे पठानकोट रुकेंगे, लेट्स सी देखते हैं क्या कहाँ रुकते हैं। तो इधर देखोगे ना चार पांच राइडर एक साथ हो गए हैं और मस्ती चल रही है, आराम आराम से चली जा रही है एक साइड पे। जब भी ऐसे राइड पे जाओ ना, तो कभी भी एक लाइन आप बुक कर लो जिस लाइन में आपको चलना है, आप सबको दूसरी लाइन बिल्कुल फ्री कर दो। सो अभी की क्या हुई है कि हम ऐसे ही बैठे हुए थे साइड पे रुक के, तो अंकल देखो अंकल को क्या हुआ पड़े, फुल टू नशे में है, दारू में गिरे गिरे। गांधी जी से शक्ल मिलती है। Finally, guys, we found Gandhi ji. मेरे पास भी एक दो गांधी जी है। चल। सही है बाबा, गिरेंगे आज। सो अभी हम निकल चुके हैं सारे यहाँ से जर्नी। पहले इन्होंने रुकना था पठानकोट, बट मैंने बताया, मैंने थोड़ा समझाया, मैंने इनको कहा है कि भाई पठानकोट देखो दूर हो जाएगा, अगर आप देख रहे हो ना सही टाइम पे मैप आया ना, यह है ना पठान है 139 किलोमीटर का, मतलब है 3 घंटे का टाइम तो वैसे मैप दिखा रहा है गूगल मैप, और ट्रैफिक ऐड कर लो तो आपका 1 घंटे का ट्रैफिक लगा लो, नाइट है तो थोड़ी सी जर्नी वैसे भी स्लो हो जाती है, तो 4-4.5 घंटे में पठानकोट इनको लग जाएंगे। सो मैंने कहा कि एक काम करो, पठानकोट की जगह जम्मू स्टे करते हैं, सारे वहीं स्टे करो। सो आफ्टर सो मच डिस्कशन हम सब ने डिसाइड किया कि हम सारे एक साथ जम्मू ही रह लेंगे। सो पिछली, अगर आपको याद होगा ना, पिछली रोड ट्रिप में हमारे को 3 ट्रैवलर मिले थे राइट, और इसमें भी हमें 4 मिल गए, तो ऐसे ऐसे ग्रुप को बढ़ता रहता है। तो सही है सब, अभी फटाफट चलते हैं। 28 किलोमीटर जम्मू रह गया हमारा, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से आधे पौने घंटे में पहुंच जाएंगे, उसके बाद आराम से बैठ के बातें करेंगे और सब देखते हैं क्या करना है। पता नहीं भारत में कितनी ऐसी टनल्स हैं, नाइट में तो ये लगती हैं जन्नत, मतलब कि बोले तो जन्नत। वापस आ गए हैं करीब, अभी मतलब पहुंचे हैं, और आज की जर्नी करीब चली है 200 किलोमीटर, हाँ अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर के करीब बाइक चल गई है, मज़ा आ गया। निकले लेट थे, 1 बजे के करीब निकला था मैं तो, बट जर्नी वॉज गुड, दोस्त मिल गए, अब हम साथ में ही रह रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने बताया था पठानकोट जाने का प्लान चेंज कर दिया, और अब हम जम्मू एक साथ ही रहेंगे, 5 बंदे हैं, 5 के 5 एक साथ ही रहेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं फटाफट से चलते हैं हम होटल में जाके चेक इन करके उसके बाद बैठ के आराम से बातचीत करते हैं, डेटा कॉपी करते हैं, उससे भी पहुँच के आपकी वीडियो भी क्लोज करनी होगी। फाइनली लोकेशन याद आ रही है, अभी हम वापस जम्मू आ चुके हैं,
तो ये बंदा घुमा था, आज ये घुमा था, अभी अभी बाकी दोनों भी घूम चुके हैं, वो उनको लोकेशन भेजी है, वो यहीं आ रहे हैं। सो यहीं पे अभी हम स्टे करेंगे, अब हम फ्रेश होते हैं, जाके हम खाना पीना करते हैं और उसके बाद डेटा कॉपी करते हैं। सो कल यहाँ से निकलने हैं हमने दिल्ली के लिए, तुमने जाना है मनाली के लिए, हम दोनों इन्होंने केरल जाना है, लेकिन मनाली छोड़ के फिर केरल जाएंगे। तो दिवाली तक सबको घर पहुँचना है, इसलिए ये है कि जल्दी जल्दी करना है सब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।